बेयरिंग जो प्ले हो गया तो उसका हम चेंज करने जा रहे हैं, तो आप सबको दिखा दो, देख सकते हैं आप लोग भी अपने घर पे बिक के सामान कहीं से परचेज करके सामान को अपने घर पे बना सकता है। आपको इसके लिए टूल्स होना पड़ेगा, आपको इसके लिए 24 नंबर इंच चाहिए आपको इसको खोलने के लिए, तो हमारा ये है खोलने वाला, तभी मैं खोलने जा रहा हूँ, आपको दिखा दूँ। अभी मैंने ये खोल लिया चक्का को, ये जो रियर चक्का है उसको मैंने खोल लिया है, देख सकता है आप लोग, ये उसका जो आप कवलिंग बोल्ट है इसको आप देख सकता है। यहाँ पे आपका ये मिलता है चेन स्पोकेट, तो चेन स्पोकेट बेयरिंग यहाँ में है, तो इधर का जो बेयरिंग होता है वो जो अभी प्ले हो गया है तो उसको हम चेंज करना है हमें। तो ये जो चक्का भी है इसका ड्रम बेयरिंग जो है ये भी फिलहाल प्ले हो चुका है, तो इसका कारण से अभी बाइक जो है स्मूथ नहीं चल पा रहा है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। और आप ब्रेक भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बेयरिंग चाहिए, इसका जो है 6005 बेयरिंग जो कि ये चेन स्पोकेट बेयरिंग है इसको, तो अब इसको हम चेंज करते हैं। तो आपको दिखा दूँ ये जो है नंबर आप देख सकता है ये 6005, तो अब ये यहाँ पे आने वाला है, ये आपका ये चेन स्पोकेट बेयरिंग यहाँ पे आएगा, तो इसका बेयरिंग जो है ये ड्रम का ये यहाँ पे आएगा, इसका जो है ये बहुत प्ले हो गया है, अभी इसको हम पैकिंग देंगे तब अच्छा से चलेगा। और इसका होता है 6302 जो नंबर है इसका ऐसा है। तो आप सभी हम इसको फिटिंग करने जा रहा है, आप सब देख सकता है अभी, तो देखिए बाइक बन चुका है, अब बन गया, हमने इसका यह बेयरिंग डाला, यहाँ पे जो बेयरिंग अंदर पे था सब कुछ बना दिया, अभी देख सकता है आप लोग, देख सकता है यहाँ पे जो चेन स्पोकेट बेयरिंग सब कुछ हो गया है, अभी बना दिया। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बीतते बीतते अपने छोटा मोटा बाइक को है जो ठीक कर सकता है अपने घर पे, गैरेज जाना नहीं पड़ेगा आपको, एक दो खर्चा नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए फ़िलहाल 200-300 रुपया तो लेना चाहिए गैरेज में।